हुण वेखदे हां खबरां विस्थार दे नाल। श्रोमणी अकाली दल वल्लों विधानसभा दे विच बंदी सिंघां दा मुद्दा चुकिया गया। जी हाँ, बंदी सिंघां दा मुद्दा चुकन तो बाद राजपाल दे भाषण च बंदी सिंघां दा मुद्दा शामिल ना करन ते रोस दा प्रगटावा किया गया। अकाली दल अते बसपा वल्लों विधानसभा दे विच इस संबंधी मता लिया गया। राजपाल ने जुबानी वोट के राही इस मते नूं रद्द कर दिता। जी हाँ, मता जुबानी वोट के राही ही रद्द कर दिता गया। SGPC ने मता रद्द होने पर एतराज का प्रगटावा करदिया कहा कि आम आदमी पार्टी के 92 विधायक बंदी सिंघां दे लई गूंगे साबित होए ने। तुहानूं दस दिए पंजाब दे विच है वड्डा मसला चल रहा है। बंदी सिंघां दी रिहाई दे लई वख-वख थावां ते रोस प्रदर्शन धरने मुजाहरे चल रहे हैं, पर विधानसभा के अंदर जदों श्रोमणी अकाली दल वल्लों अते बसपा वल्लों यह मुद्दा चुकिया गया, मता लिया गया, तो वॉइस वोट के राही ही यह मता रद्द कर दिता गया, क्योंकि आम आदमी पार्टी के किसी भी विधायक वल्लों इस संबंधी कोई सपोर्ट का प्रगटावा नहीं किया गया। इसे लैके SGPC का गुस्सा वेखन मिले, रोष वेखन मिले। SGPC का कहना है कि आम आदमी पार्टी के 92 विधायक हैं, पर 92 के 92 विधायक बंदी सिंघां दे लई गूंगे साबित होए हैं। प्रस्ताव नूं सदन की वोट लई पेश करन तो पहला मैं डॉक्टर नछत्तरपाल, सदा मनप्रीत सिंह इयाली, डॉक्टर सुखविंदर कुमार सुखी माणयोग MLA साहबाना वालों दिते गए सोधना के पहले 5वें ते 9वें नोटसन सदन की वोट लई पेश करदा हाँ। प्रश्न यह है कि धन्नवाद प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिता जाए, पर खेद प्रगट करते हैं कि सजावां पूरियां कर चुके बंदी सिंघां की रिहाई बारे कोई जिक्र नहीं किया गया। जिहड़े माणयोग मैंबर प्रस्ताव के हक विच नूं हाँ कहण, जिहड़े माणयोग मैंबर प्रस्ताव के विरुद्ध हैं वह ना कहण। मैं समझदा हाँ कि ना पक्ष की जित है, ना पक्ष की जित है, प्रस्ताव स्वीकार नहीं होया। सभा जो इजलास चलिया, जो पंजाब के हालातों के बारे उसे झूठ बोलिया गया, उस गल के बारे च मैं जिक्र करने तो पहला ये गल कहनी चाहना कि जो पंजाब का सिखां का सब तो वड्डा मसला सी, जो कि श्रोमणी अकाली दल वालों मनप्रीत सिंह इयाली ने जो मता लिया बंदी सिंघां दी रिहाई का, तो जो 92 गूंगे असीं ये गल ते किना सोच रहे सी कि शायद कोई भी जबान खुलेगी, पर 92 के 92 गूंगे ही रह गए जिहड़े कि जिन्हां ने सिखां दे मसलियां लई ते सिखां दीआं भावनावां दी कदर नहीं कीती। ये गल स्पष्ट हो गई आ कि पंजाब दे सिख अज ये गल सोचण लई मजबूर हो गए ने कि जो ये पंजाब दी सरकार आ, क्योंकि सिखां दी सब तो वड्डी शमूलियत है सरकार दे अंदर, उन्हां दे लई इस पार्टी का एक भी व्यक्ति जिहड़ा उहने इस गल लई हादा नारा नहीं मारिया, जदों कि मनुखी अधिकारां दा वड्डा घाण आ इह। सो इस गल लई असीं डट के इस गल का विरोध करदे आं ते पंजाब दे लोकां नूं इक सवाल दिंदे आं कि उह इस सवाल का जवाब देण कि बंदी सिंघां दी रिहाई जायज़ मसला है जां कोई नजायज़ मसला है। अकाली दल ते बसपा वालों बंदी सिंघां संबंधी मता लिया गया सी। राजपाल ने जुबानी वोट के राही मते नूं रद्द कर दिता। कोई भी आम आदमी पार्टी का विधायक इस मते के हक के भुगतता विखाई नहीं दिता। SGPC ने मता रद्द होने पर सख्त एतराज का प्रगटावा किया है, रोस का प्रगटावा किया है। SGPC का कहना है कि आम आदमी पार्टी के 92 विधायक बंदी सिंघां दे लई गूंगे साबित होए ने। जी हाँ, बंदी सिंघां दी रिहाई दे लई जिथे एक पासे संघर्ष चल रहे हैं, वख-वख जथेबंदियां वालों लगातार रोस मुजाहरे भी वेखन नूं मिल रहे हैं। लगातार मुद्दा चुकया जा रहा है पंजाब दीआं सड़कां दे उपर, पर विधानसभा डेमोक्रेसी दा ओह मंदिर जिथे हर एक चीज़ बड़ी मायने रखती है, उस विधानसभा दे अंदर जिहड़ा बजट इजलास चल रहा है, तो अज अकाली दल अते बसपा वल्लों बंदी सिंघां दी रिहाई संबंधी मता लिया गया, पर इस मते नूं रद्द करना पिया क्योंकि वॉइस वोट दे राही मता रद्द होया है। राजपाल माफ चाहेंगे, विधानसभा स्पीकर वालों वॉइस वोट के राही मता नामंजूर किया गया। राजपाल के भाषण च बंदी सिंघां का मुद्दा शामिल ना करन ते एतराज का प्रगटावा श्रोमणी अकाली दल ते बसपा वालों किया गया। श्रोमणी अकाली दल वालों
राजपाल के भाषण च बंदी सिंगा का मुद्दा ना शामिल करन ते एतराज़ का प्रगटावा किया गया। ऐसे गल नूं लैके अकाली दल ते बसपा वालों विधानसभा च मता लिया गया सी, पर मता वॉइस वोट के राही रद्द हो गया। एस जी पी सी ने इस उपर सख्त एतराज का प्रगटावा करद आम आदमी पार्टी के विधायकों को घेरिया। ऐसे खबर नूं लैके प्रतिक्रम भी सामने आ रहे हैं। डॉक्टर सुखविंदर सुखी इस वेले साढ़े नाल जुड़ चुके हैं फोन लाइन ते। डॉक्टर साहब स्वागत है तुहाडा पीटीसी न्यूज़ ते। तुहाडा प्रतिक्रम जानना चाहेंगे, अकाली दल अते बसपा वालों सांझे तौर दे उपर मता लिया गया सी बंदी सिंघां दा मसला। वैसे पंजाब दीआं सड़कां ते इन्ना ज़्यादा वड्डा मुद्दा गूंजदा सुनाई दिंदा है, हर पासिओं इस संबंधी जिहड़ियां आवाज़ां ने सुनाई दिंदियां ने, पर डेमोक्रेसी दा मंदर समझे जाण वाले विधानसभा दे अंदर इह मता रद्द हो गया, किवें वेखते हो? तो डॉक्टर सुखविंदर सुखी इस वेले फिलहाल साडे नाल फोन लाइन ते नहीं जुड़ पा रहे, पर हरजीत गरेवाल साहब साडे नाल फोन लाइन ते जुड़ चुके हैं। गरेवाल साहब स्वागत है तुहाडा पीटीसी न्यूज़ ते। तुहाडे कोलों जानना चाहेंगे गरेवाल साहब, किवें वेखते हो सारा जो घटनाक्रम है? पंजाब दीआं सड़कां दे उपर तां वख-वख गल्लां वेखण नूं मिलदियां ने, पर विधानसभा दे अंदर जद मता लिया जांदा बंदी सिंघां दा तां कोई भी आम आदमी पार्टी का विधायक इस संबंधी कुछ नहीं बोलता, मता वॉइस वोट के राही ही रद्द हो जाता है। कि वाकई च डबल स्टैंडर्ड है? गरेवाल साहब सुन पा रहे हो? तो फिलहाल हरजीत गरेवाल साहब भी साडे नाल फोन लाइन ते नहीं जुड़ पा रहे, पर एक बार मुड़ तो तुहानू सुणाउंदे आ कि अज विधानसभा के अंदर बंदी सिंघां दा मता जद पेश किया गया तो उस वेले की कुछ होया। प्रस्ताव नूं सदन की वोट लई पेश करन तों पहलां मैं डॉक्टर नखेत्रपाल साहब, मनप्रीत सिंह इयाली अते डॉक्टर सुखविंदर कुमार सुखी माणयोग एम एल ए साहबाना वालों दिते गए सोधना के पहले पंजवें अते नौवें नोटसां सदन की वोट लई पेश कर। तां डॉक्टर सुखविंदर सुखी वालों की कुछ किया जा रहा है, साडे नाल खुद फोन लाइन ते इस वेले जुड़ चुके हैं डॉक्टर सुखविंदर सुखी। डॉक्टर साहब स्वागत है तुहाडा पीटीसी न्यूज़ ते। तुहाडे कोलों जानना चाहांगे अज मता तां अकाली दल अते बसपा वालों सांझे तौर ते लिया गया पर वॉइस वोट दे राही रद्द हो गया, की समझदे हो कि डबल स्टैंडर्ड्स ने सरकार दे इस मसले नूं लैके, बंदी सिंघां दे मुद्दे नूं लैके? देखो असीं भगवंत मान सरकार तों आस करदे सी, क्योंकि जिहड़े पंजाबीआं दे और सिखां दे हमायती और सिख धर्म दे हमायती होण दी सदा ही टोंक रचदे आ, असी जिहड़ा गवर्नर दे जिहड़ा उहनां ने गवर्नमेंट दा पढ़दे आ ओहदीआं कारगरियां जां उहने की करना उहदे विच असी उहनूं ऐड कराउणा चाहुंदे सी कि मता लैके आओ कि जिहड़े बंदी सिंघ आ जे रेपिस्ट नूं पोल ते भेजिआ जा सकदा, जे जो निंदाजोग गुजरात दे विच होइआ, जो उत्थे मर्डर होए, जो भी उत्थे वापरिआ, पर जिहड़े लोग राजीव गांधी दे कातल जे रखे रिहा कीते जा सकदे, तां सिंघ जिहड़े जज्बाती तौर ते कितना कितने धार्मिक इशूआं ते ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਚਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੇ ਅੱਜ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਸਪਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਤਾ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੁਝ ਰਣਨੀਤੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ
इस गल लई तुलिया कि जिहड़े बंदी सिंह उन्हां दी रिहाई होनी चाहीदी आ, पर उदों मुंडली जिहड़ी जिहड़ी अपनी शुरुआत कीती आ ਉਹ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਇਸ਼ੂ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਤਸ਼ੱਦਦ ਮਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब, सा गलबात करने लिए इस मसले में लैके श्रोमणी अकाली दल विधायक मनप्रीत अयाली भी इस वे फोन लाइन से साडे नाल जुड़ चुके हैं। अयाली साहब स्वागत है पीटीसी न्यूज़ से। मता लिया गया अज अकाली दल वालों, पर मता वॉयस रोड वोट के राही ही रद्द हो गया। डॉक्टर सुखी भी कह रहे हैं कि संघर्ष जोड़ा असं अगे भी जारी रखा, पर अज के इस घटनाक्रम को किमें वेखते हो? आम आदमी पार्टी वालों कोई भी विधायक इस संबंधी आखिरकार क्यों नहीं कुछ बोल पा रहा? सब तो पहले सारे सत श्रीकाल जी। जी सो अज विधानसभा दे विच जिहड़ा बंदी सिंघां दा मता लिया गया सीगा, तां जो जिहड़े बंदी सिंह ने लंबे समय तो जेलां दे विच बंद ने, जिहड़ियां अपनियां सजावां भुग चुके ने, सो उहनां दी रिहाई दे लई इह मता लिया गया सी। सो जो सरकार वालों आम आदमी पार्टी सरकार वालों रद्द कर दिता गया, मैं समझदा कि बहुत ही मंदभाग है, क्योंकि इस मुद्दे ते डिबेट भी होनी चाहिए सी, सरकार वालों सर्वसंमति नाल मता पास करके भेजना चाहिए सी केंद्र नूं, तां जो उह सारे सिंघां दी रिहाई हो सके जिहड़े लंबे समय तो जेलां दे विच बंद ने, सजावां उहनां दी पूरियां हो चुकियां। बिल्कुल, पर वाकई च यह हैरानी वाली गल है कि इस मते नूं लैके विधानसभा दे विच वॉइस वोट दे राही ही इस नूं रद्द कर दिता गया। बेहद शुक्रिया अयाली साहब साडे नाल गलबात करन लई इस मसले नूं लैके। हरजीत गरेवाल साहब इस वेले फोन लाइन से साडे नाल जुड़ चुके हैं। गरेवाल साहब स्वागत तुहाडा पीटीसी न्यूज़ ते। गरेवाल साहब, बीजेपी का स्टैंड असीं समझना चाहांगे बंदी सिंघां दे मसले ते की है, अकाली दल वालों अज मता तां लिया गया पर वॉइस वोट दे राही विधानसभा च रद्द हो गया है मता बंदी सिंघां संबंधी, बीजेपी का की स्टैंड? देखो पहले अकाली दल तां खाम खा चैंपियन बन लई करदा, साडी सरकार ने 6 बंदी सिख रिहा कर दिते आ पहला, और 2 नूं हुण पैरोल दित्ती आ, और जो भी कानून सम्मत होएगा भाजपा दा इह मनणा कि उह रिहा होना चाहीदा, ते इह कानून ने देखना हैगा कि क्यों रिहाई नहीं हो रही, ते उहदे च असीं दखल अंदाजी मानयोग अदालतां दी गल च करिए उह वी चंगी गल नहीं है। असीं कहिंदे कि जो कानून सम्मत ने जिन्हां ने सजा पूरियां करनियां उह रिहा होने चाहीदे आ, ते उहनां नूं उहनां साडे कैबिनेट मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत ते बाकी लीडर गए सी श्री अकाल तख्त साहिब ते परफॉर्मा भर के साइन भी कराए सी जो श्रोमणी कमेटी भरवा रही है, ते उहदे च असीं कहिंदे साडे कोलों वी भरवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, असीं खिलाफ नहीं है रिहाई दे, पर असीं कहिंदे कि कानून सम्मत रिहाई होवे उस दे असीं। ठीक है, कानून मुताबिक चीज़ा होनी चाहिए तुहाडा कहना है। बेहद शुक्रिया गरेवाल साहब साडा गलबात करन लई। तां एहसन हरजीत गरेवाल जिन्हों का कहना है कि कानून मुताबिक चीज़ा होनी चाहिए ने, पर फिलहाल एक बार मुड़ तो तुहानूं दस दिए श्रोमणी अकाली दल ते बसपा वालों विधानसभा दे विच बंदी सिंघां दा मुद्दा चुकिया गया सी, पर वॉइस वोट दे राही ही मता खारज हो गया। राजपाल दे भाषण च बंदी सिंघां दा मुद्दा शामिल ना करन ते भी अकाली दल ते बसपा ने रोस दा प्रगटावा कीता, पर एस जी पी सी दा कहना है कि आम आदमी पार्टी दे 92 विधायक बंदी सिंघां दे मुद्दे ते गूंगे साबित होए ने। छोटे जे ब्रेक लिए इसे इत्थे रुकांगे, ब्रेक दे उस पार कुछ होर खास खबरां।